गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो इट्स हैपन बुक से है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका चैप्टर वन पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है हाउ द कैमिल गॉट हिज हम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, The world had just begun and the animals were working for humans. Students, the world, मैंने विश्व had just begun, अभी जो है अस्तित्व में आया था, and the animals were working for humans, और पशु जो है मनुष्य के लिए वो कार्य कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। वहाँ एक ऐसा पशु भी था जो वन लेजी एनिमल, जो बहुत आलसी था, दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। वह कुछ नहीं करता था, मैंने दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग, और काम के लिए कहे जाने पर जो है बट उसका एक उत्तर रहता था केवल हूँ, वो हूँ सब कह देता था। उसका प्रश्न का हमेशा यही उत्तर मिलता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। इवन मनी यहाँ तक कि द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि चतुर जिन भी उस पर चकित रह गए। तो यह आपका इंट्रोडक्शन था। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को, पार्ट फर्स्ट का लेसन है, पार्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वेर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वॉज अ कैमिल and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him he said hum, just hum and no more. In the beginning, विद्यार्थियों आरंभ में, When the world was new and the animal, शुरुआत में जब यह संसार बना ही था, and the animals were just beginning to work for the man, और पशु केवल मनुष्य के लिए काम करते थे। मैंने प्रारंभ में जो है पशु केवल मनुष्य के लिए क्या करते थे, काम करते थे। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ हॉलिंग डिजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, और देयर वॉज अ कैमिल, एक ऊंट था, वह एक
सोने से मरुस्थल में रहता था। मैंने एक ऐसा मरुस्थल था जहाँ एकदम सुनसान यानी सॉलिट्यूड प्लेस, एकांत सुनसान मरुस्थल में डेजर्ट में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, वहाँ काम नहीं करना चाहता था। ही हैड स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही डिड ही सेड वहाँ लकड़ी की टहनियाँ, कांटे तथा कांटेदार झाड़ियों का निर्वाह करता था। मतलब जो है वो ऊँट जो था वो लकड़ी की टहनियाँ, कांटे तथा कांटेदार झाड़ियों को खाया करता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, और जब कोई या जब कभी कोई व्यक्ति कुछ बात कहता तो ही सेड, तो वह कहता वह केवल हूँ शब्द, शब्द में जो है आंसर देता था, मैंने उत्तर देता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक उसी समय एक घोड़ा उसके पास आया। विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल, ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, मैंने ठीक उसी समय एक घोड़ा उसके पास आया और सोमवार प्रातः का समय था। ठीक उसकी जो है उसकी पीठ पर एक काठी रखी हुई थी, और एंड सेड उसने कहा, ओ कैमिल केम आउट, किसने, घोड़े ने कहा ऊंट से, ऊंट रे ऊ बाहर आज, मैंने आप बाहर आ जाओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम शेष सभी की भांति तेज चाल चलें, मैंने हम तेज चाल में चलें, जैसे और चल रहे तेज उसकी भांति जो हम भी तेज चाल चलें, लेकिन हम सेट अ कैमल, ऊंट बोला हूँ, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा जो है वहाँ से चला गया, उसने जाकर मनुष्य को एंड टोल्ड द मैन, और उसने जाकर मनुष्य को बता दिया। हम शेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, नेक्स्ट प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज
mouth and said, "Camel, O camel, come and fetch and carry likes the rest of us." तब फिर कुत्ता उसके पास अपने मुंह में डंडी लेकर आया और एंड सेट और कहा, कैमिल ओ कैमिल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊंट रे ऊंट आओ हमारी बांतियाँ, हमारी बांति जो है आप जो है लकड़ियाँ उठाओ। तो ऊंट ने जो है उत्तर दिया, सेड कैमिल, तो उसने उत्तर दिया, उसका एक उत्तर था और वहाँ से जो है ऊंट के उत्तर को सुनकर जो है एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और वो भी जो है कुत्ता भी जो है चला गया और जाकर मनुष्य को बता दिया। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Come, उस समय ऊंट के पास बैल भी गया और उसकी ऑन हिज नेक उसकी गर्दन पर एक चूहा लटका हुआ था, मनी उसके गर्दन पे जो है या एक उसके गर्दन पे जो है जुआ लटका हुआ था। एंड सेड द कैमिल ओ कैमिल कम टू द कम एंड प्लॉग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने भी जो है बैल ने भी ऊंट को उससे कहा, उसने कहा ऊंट को, ऊंट रे ऊंट आ जाओ और हमारी भांति हल चलाओ। तो ऊंट का जवाब वही आया, सेड द कैमिल, मैंने ऊंट ने उत्तर दिया। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और बैल ऊंट ने जैसे हमें उत्तर दिया तो बैल ने भी जाकर मनुष्य को यही बात मैंने बता दिया, जाकर मनुष्य को यही बात बता दी। एट द एंड ऑफ द डे द मैन गॉट द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेट। दिन की समाप्ति पर मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैंने जैसे दिन बीता, द मैन कॉट द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, मनुष्य ने जो है घोड़े कुत्ते तथा बैल को एक साथ बुलाया और एंड सेट और कहा, क्या कहा, तीनों को एक साथ बुला लिया और उसने कहा, थ्री और थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट दैट हम थिंग्स इन द डिजर्ट कांट वर्क
or he would have been here by now. ये तीनों पशुओं मुझे इस पर खेद है. I am very sorry for you. परंतु but that hump things in the desert can't walk. परंतु मरुस्थल में रहने वाला वह हूँ बस तो काम नहीं करती. डिजर्ट कांट वर्क और द वुड हैव बीन हियर बाय नाउ. अन्यथा वह अब तक ही होती. ऐसा जो है मनुष्य ने उन तीनों पशुओं को बताया. शो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. अतः मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. अब तुम्हें कमी पूरी करने के लिए दुगना समय काम करना पड़ेगा. मतलब आपकी तुम्हें जो है कमी पूरी करने के लिए जितना कमी है उसके लिए आपको दुगना जो है माने डबल टाइम दुगना समय काम करना पड़ेगा. ऐसा जो है कहा किसने मनुष्य ने जो है उन तीनों पशुओं को बताया कहा. That made the three very angry. इससे तीनों पशु जो है तीनों क्रोध हो गए. And they held a panchayat on the edge. उन्होंने मरुस्थल के किनारे एज मैंने किनारे उन्होंने जो है मरुस्थल के किनारे पर एक जो है पंचायत बुलाई. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज एज मैनी ऑफ द डिजर्ट मनी मरुस्थल के किनारे. And the camel came chewing curd and laughed at them. ऊंट वहां पर जुगाली करता हुआ गया. And laughed at them और उन पर हंसा. Then he said हम तब उसने कहा हूँ. And went away again. और फिर चला गया. Presently there came along the jinn who was the charge of all desert rolling in a cloud of dust. तब सभी मरुस्थल का प्रबंधक जो जिन उड़ती रेत के बादलों में झूमता हुआ आ गया. जिन ऑल ऑफ डिजर्ट सेड द हॉर्स घोड़े ने कहा ओ सभी मरुस्थलों इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल. ओ सभी मरुस्थलों के जिन
क्या किसी के लिए आलसी रहना ठीक है? Certainly not, said the jinn. निश्चित रूप से नहीं, said the jinn. जिन ने कहा. Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. घोड़े ने कहा, well, said the horse. घोड़े ने कहा, तुम्हारे मरुस्थल के बीच एक वस्तु है जिसकी जो है लंबी गर्दन है, जिसकी क्या है लंबी गर्दन है, और लॉन्ग लेग्स लंबी टांगे हैं, एंड ही हैज़न्ट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से दिन का भर भी जो है काम नहीं किया. ही वॉन्ट ट्रॉट, वह तेज भी नहीं चलता. वे व्यू, सेट द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमिल, वट डज ही से अबाउट इट. वो कहता, छी, सीटी बजाते हुए जिन बोला, वह मेरा ऊंट होगा, दैट्स माई कैमिल. वट डज ही से अबाउट इट, इसके प्रति वह क्या कहता है? ही सेज, हम, एंड ही वॉन्ट प्लॉग, सेड द ऑक्स. वह कहता है, हूँ, और हल नहीं चलाता, बैल ने कहा. वेरी गुड, बहुत अच्छा, सेड द जिन. जिन बोला, आई एम हिम एंड यू विल काइंडली वेट अ मिनट, यदि तुम थोड़ा सा प्रतीक्षा करो तो मैं उसे इस क्षण में ही सीधा कर दूंगा. ऐसा जो है किसने कहा? जिन ने कहा. तो विद्यार्थियों, आप इसमें से जो 4 क्वेश्चन हैं, आप इसको फिर कॉपी पे करेंगे, और ये जो अपना इट्स ओपन बुक्स है सप्लीमेंट्री रीडर की, उसका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. तो आप इसको जो है अपने फिर कॉपी पे करेंगे.